हम देखेंगे रीड का एक अच्छा टॉपिक वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आ जाती है हमारी पुस्तक, लड़की, पेंसिल, गाय, बकरी। ये सिर्फ एक है, जैसे एक बकरी। पुस्तकें, कई सारी पुस्तकें तो बहुवचन, कई सारी लड़कियां बहुवचन, पेंसिल हैं बहुवचन, गायें कई सारी गायें बहुवचन, बकरियां कई सारी बकरियां तो बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ की बात करेंगे, बहुवचन कई सारी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, चाहे उनको कहीं भी मिल जाए आपको वो एक वचन ही होगा। जैसे कि सोना हमेशा एक वचन रहेगा, चांदी एक वचन, चाय हमेशा एक वचन रहेगी, घी एक वचन रहेगा, जनता एक वचन है। हम ये सोचते हैं ना जनता बहुवचन में आती होगी, लेकिन जनता एक वचन में आती है। करुणा, दया, मतलब जितनी भी करुणा, दया, घृणा, कृपा, ये जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती हैं, जितने भी भाव होते हैं वो एक वचन में आते हैं। खटास, मिठास, वर्षा, वर्षा ऐसा लगता है बहुवचन होगी लेकिन एक वचन है। जल, मक्खन, लोहा, प्रजा, प्रजा भी ऐसा लगता है जैसे बहुवचन हो लेकिन प्रजा एक वचन में आती है। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो देखकर, शब्द देखकर ही हम पहचान जाएंगे कि ये एक वचन है। उसके बाद सदैव बहुवचन में प्रयुक्त, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, जैसे कि अक्षत, आंसू, होश, हस्ताक्षर, रोम। रोम तो तुम समझ सकते हो कि हाँ बहुवचन ही होगा, बार भी बहुवचन होगा, समाचार बहुवचन है, ताश बहुवचन है, दाम बहुवचन, प्राण, हालचाल, भाग्य, दर्शन, लोक। अब देखो लोग जो है वो बहुवचन है लेकिन जनता जो है वो एक वचन है। जनता एक वचन है और लोग बहुवचन है। इस तरह से ये कुछ वर्ण हैं, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हें हम देखते हैं, आराम से इनको पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद आता है एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के नियम। एक वचन के स्थान पर बहुवचन के प्रयोग के नियम। जब किसी व्यक्ति विशेष को आदर दिया जाता है तो उस व्यक्ति विशेष के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति विशेष को आदर दिया जाता है तब बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को हम आदर देते हैं ना तो बहुवचन का प्रयोग कहते हैं, जैसे कि पिताजी आ रहे हैं तो पिताजी यहाँ पर बहुवचन है। माताजी, आदर दे रहे हैं ना, माताजी, जी लगा रहे हैं तो माताजी क्या है यहाँ पे, बहुवचन है। उसके बाद किसी सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा या स्वाभिमान प्रदर्शित करने के लिए, जिस सत्ता, अधिकार, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम को प्रयुक्त किया जाता है वह हमेशा एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वो जो सर्वनाम होगा वो हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे कि मैंने कहा हमें तो कोई याद ही नहीं करता, तो हमें, ये जो सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है बहुवचन में, हमें तो कोई याद ही नहीं करता, तो हमें में क्या है, बहुवचन है। मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ूंगा, तो अपने यहाँ पे अपना सत्ता बता रहा है, अपना अधिकार बता रहा है, तो उसमें क्या कर रहा है, अपने क्या होगा यहाँ पे, बहुवचन होगा। इस तरह से कई बार एकवचन शब्दों के साथ समूहवाचक शब्द जन गण वृंद, जन गण वृंद, संघ, मंडल, दल को जोड़कर एकवचन से बहुवचन बना दिए जाते हैं। जैसे कि गुरु है तो गुरु एकवचन है, गुरु, लेकिन इसमें जन डोल जोड़ दिया, गुरुजन,
तो जन क्या है? एक तरह का समूह है। गण एक तरह का समूह है, संघ मंडल दल। तो जन एक तरह का समूह है। तो गुरुजन में क्या हो गया? बहुवचन हो गया। गुरुजन एक बहुवचन शब्द हो गया। उसके बाद विद्यार्थीगण राष्ट्रीय एकता में, विद्यार्थीगण राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थी के पीछे क्या लग गया? गण। गण क्या है? एक समूह। जनगण ठीक है, दल ये सब होते हैं, तो गण एक समूह है। तो विद्यार्थीगण यहाँ पे क्या हो गया? बहुवचन है। अब ये हमारा वचन एक बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक होता है, जिसको हम शायद मोस्टली पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है हमारा लिंग। अब लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। अब हम देखते हैं कि हमारे जो लिंग होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। ऐसे ये पुरलिंग, स्त्रीलिंग। घोड़ा पुरलिंग है, बकरा पुरलिंग है, पिता पुरलिंग है, पुत्र पुरलिंग है, पैन पुरलिंग है, बालक भी पुरलिंग है। घोड़ी स्त्रीलिंग है, बकरी माता स्त्रीलिंग है, बालिका, पेंसिल, कुर्सी। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराएँ वो पुरलिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुरलिंग में यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज़ होते हैं। तो जो शब्द हमेशा पुरलिंग में यूज़ होते हैं उनको हम देख लेते हैं, जैसे कि कौआ। कौआ हमेशा पुरलिंग में होगा। वैसे भी देखा जाए तो कौआ देखने पर भी पुरलिंग सा लग रहा है। खरगोश पुरलिंग है, भेड़िया पुरलिंग है, तोता पुरलिंग है, उल्लू, पक्षी में कन्फ्यूज, पशु, खटमल में कंफ्यूज हो सकते हो। यार खटमल पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है? तो खटमल एक पुरलिंग है, लेकिन दीमक स्त्रीलिंग है। ये देखो, आप खटमल और दीमक की बात करते हैं तो खटमल पुरलिंग है और दीमक स्त्रीलिंग है। बाज पुरलिंग है, मच्छर पुरलिंग है, गरुड़ पुरलिंग है, गेंडा पुरलिंग है। और सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? मछली स्त्रीलिंग में आएगी, मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग में आएगी, मैना स्त्रीलिंग में, छिपकली, लोमड़ी, मकड़ी, चील, तितली, गिलहरी, दीमक, संतान। अब ये जो संतान है ना, ये समझ में नहीं आता संतान पुरलिंग है कि स्त्रीलिंग है। संतान एक स्त्रीलिंग है। संतान हुई, संतान है, तो हुई, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं।